गुरुवार की शाम को डुअर्स में आई तेज हवाएं व तूफानी वर्षा के बीच डुअर्स के कई क्षेत्रों में बर्फबारी व घरों को नुकसान होते हुए देखे गए। मगर इस बीच अलीपुरद्वार जिला के कालचीनी ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में तेज हवाएं के बीच कई घरों में बिजली के खंभे गिरने की खबर भी सामने आई है। इस बीच कालचीनी ब्लॉक के मेजपाड़ा चाय बगान में एक व्यक्ति के घर में पेड़ गिर जाती है, उनके घर के सज्जन को गंभीर चोट लगती है। इधर बीच चाय बगान के स्कूल लाइन के प्राथमिक विद्यालय के किचन घर में भी पेड़ गिरने की खबर सामने आती है। इस दौरान काफी दिक्कत के बाद भी पेड़ हटाने का काम स्थानीय की मदद से चल रही है। उसी बीच डीमा चाय बगान में भी काफी नुकसान की खबर सामने आई है, जहां नेपाली लाइन के राजेश नायक के घर गिर जाती है। हालांकि किसी जानमान की नुकसान खबर प्राप्त नहीं हुई है। इधर इसी जगह के एक प्राथमिक विद्यालय के किचन घर भी नुकसान हो जाती है, जहां स्थानीय के मदद से पेड़ हटाने की कार्य चल रही है। बारिश हुआ तो आंधी तूफान आया था, तो मेरा घर तो ये पेड़ का डाली गिर गया था, और पेड़ गिरने से घर में भगवान भला करे, क्योंकि घर में थोड़ा सा लगा और इसमें गिर गया। अगर घर में गिरता तो कुछ हादसा हो जाता। और इधर सामने स्कूल है, स्कूल का पूरा छत उड़ा गया, पूरा टूट गया है ना। किचन रूम था उसको भी। कितना बजे हुआ ये? ये 7 बजे से पहले। उसी एक और बड़ी समस्या पुराना हासीमारा के साताली मोड़ में एक जटिल पेड़ की मोटी मोटी टहनी दो घरों में गिर जाती है। हालांकि शाम व लॉकडाउन के चलते सब अपने अपने घरों में खाना पकाने के दौरान थोड़ी पेड़ हटनी टूटने की भनक लगने से दोनों घरों के परिवार भागकर दूर खड़े हो जाते हैं, जिस कारण से दोनों घरों के परिवारों की जान बाल बाल बचती है। मगर इस बीच एक बड़ी दुर्घटना होते होते तब टल जाती है। अब बोले क्या घटना घटा? हम लोग घर में था, अचानक झाड़ आया, ठीक है, और वही झाड़ में एक गाछ पेड़ा घर में गिर गया। हम लोग का जो है ये बाउंड्री घर का ये पूरा टूट गया, थोड़ा के लिए हम लोग बच गया, ठीक है। अभी गाछ वाला को बोलने गया, बोल रहा कि हम तो खुद जाके नहीं गिराया ये गाछ, तो वैसे बोल रहा है। तो अभी प्रधान के पास गया, अभी बोल रहा है ठीक है हम आ रहा है, हम सब कर गए। जब पता चलता है सड़क और घरों में गिरे पेड़ के पत्ते को बकरी खाने गई, तो उससे जोरदार बिजली के झटके लगती है। इधर इससे लोगों को पता चल जाता है इस खंभे में तार जो पेड़ में टूट कर लिपटी हुई है उसमें बिजली की झटके मौजूद है। इस कारण से इस पेड़ की पत्ती में बिजली के झटके मौजूद है। इधर स्थानीय निवासी रवि मंडल ने बताए, बिजली विभाग को कई बार सूचना देने के बाद भी वे जब नहीं सुने तो हमें सुबह मजबूरन सड़क अवरोध करना पड़ा, फिर किसी तरह बिजली की टीम बिजली काटे, फिर इसके बाद ही स्थानीय द्वारा फिलहाल पेड़ हटाया जा रहा है। क्या घटना घटा? हमारे यहाँ कल रात को मतलब हवा बारिश में गाछ गिर गया दो घर पे, थाना में भी फोन किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी को भी फोन किया गया, कोई रात को भी नहीं आया। तो हम लोग रात को एम्बुलेंस था, गाछ उछ काट के रास्ता क्लियर किया, करने के बाद सुबह में भी देख रहा है कि कोई नहीं आ रहा है, लाइन चालू है। बकरी को और कुत्ता को जब करंट लगा तब मालूम चला है ये करंट है। तो फिर हम लोग रास्ता बंद करने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी का गाड़ी आया, तो जाके अभी हम लोग लाइन काट के आ रहा है, लेकिन लाइन अभी तक बनाने के लिए भी नहीं है। देखने को मिल रहा है कि घर में भी घर के ऊपर भी गिरा है, घर का दो घर का ऊपर गिरा हुआ है। घर में उनके घर में लोग मौजूद थे? हाँ, घर में आदमी मौजूद था, एक का नाम दीपू वर्मन है, उसका घर पे मेन गिरा हुआ है, और एक कंचन बासपुरा है उसका घर पे, ये दो का घर पे गिरा हुआ है। अलीपुरद्वार से विवेक साकी रिपोर्ट।